सो गाइस यार, अगर आप भी मेरी तरह ऐसे ही नॉच स्क्रीन पे डायनामिक स्लैंट सेट करना चाहते हो तो सिंपल से ट्रिक है। तो सिंपली आप अपना प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर सर्च करना डायनामिक नॉच डायनामिक स्लैंट, ठीक है। तो जो पहला वाला ऐप है उस पर जाना है और इसको इंस्टॉल कर देना। तो सिंपली यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और एक्सेसिबिलिटी को इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे जाके स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे जो डायनामिक नॉच है उस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना और शॉर्टकट को भी इनेबल कर देना, ठीक है। इतना होने के बाद आपको बैक जाना है और बैक जाके यहाँ पर नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना है। तो इसको इनेबल करते ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो डायनामिक स्लैंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो अपने डायनामिक स्लैंट के थ्रू। और यहाँ पर जो डायनामिक स्लैंट का सेक्शन है आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिया है, तो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखना, ठीक है। और यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके रख देना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।